ओके सो अभी बात करते हैं टिप्स के बारे में, क्या क्या आपको चीजें, ये जो चीजें हो गई कि आपको क्या कैरी करना है, बट इसके अलावा सो व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज मानिक एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रेवल टिप्स के बारे में, जो आपकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो इस COVID-19 के सिनेरियो में। तो बात कुछ ऐसी है, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनको देखकर हम भी इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी ट्रैवल करना चाहिए इस टाइम पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी तो गया है, वो भी तो गया है, किसी को कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये चीज़ बोलते हुए नोटिस किया है, बट बात ऐसी है ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। और कोई नहीं चाहता कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं इंजॉय करने जा रहे हो और आप वहाँ पर बीमार हो जाओ, आपको सर दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस करना ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको थोड़े से प्रिकॉशंस कीजिए ताकि आप सेफली कहीं ट्रैवल कर सको और वापस घर आ सको। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो कहीं भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इस टाइम पर आपको ये चीज़ ज़रूर कैरी करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास मास्क होना ज़रूरी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 से 3 मास्क अपने साथ लेके जाइए, जिसमें इंक्लूडेड हो एक जो डिस्पोजल वाले जो मास्क होते हैं, जो यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं, वो आपके साथ होना चाहिए। उसके अलावा आप एक क्लोथ जो मास्क होते हैं, कपड़े वाले जो मास्क होते हैं, वो आप ले सकते हो, बिकॉज वो आप वॉशेबल होते हैं, आप उनको वॉश करके दोबारा पहन सकते हो। तो वो आपको ज़रूर ले जाना चाहिए और मैं रिकमेंड करूँगा आप 2 से 3 लेके जाइए, बिकॉज अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको पता होगा सैनिटाइजर्स आपके पास। मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं कैरी करता हूँ 2 सैनिटाइजर, आपके पास एक छोटा सा एक हैंड रब सैनिटाइजर होना चाहिए। इसके अलावा आप एक स्प्रे सैनिटाइजर भी लेके जाइए। मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है वो सिर्फ एक हैंड रब वाला सैनिटाइजर लेके जाते हैं, बिकॉज स्प्रे वाला सैनिटाइजर इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप उससे काफ़ी सारी चीज़ों को सैनिटाइज कर सकते हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके हाथों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, आपके साथ जो सामान है, लगेज है, उसमें भी कुछ इन्फेक्टेड वायरस या कुछ भी हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को उस स्प्रे वाले सैनिटाइजर से आप सैनिटाइज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप भले ही छोटे से सैनिटाइजर लेके जाओ आपकी ट्रिप के डेज के अकॉर्डिंग, तो एक तो आप स्प्रे वाला रखिए हमेशा अपने साथ, और दूसरा आप एक हैंड रब रख सकते हो आप, और बार बार आपको सैनिटाइज करना है जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपको कैरी करनी है वो है बेसिक मेडिसिन। मैं हमेशा अपने साथ बेसिक मेडिकेशन हमेशा लेके जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मुझे कभी कभार सर दर्द हो जाता है या कभी जुकाम हो सकता है। तो अगर आप कहीं इंजॉय करने जा रहे हो और उस टाइम पर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिप को ख़राब कर देता है, तो मैं वो नहीं चाहता और मैं हमेशा अपने साथ एक बेसिक मेडिसिन की एक किट लेके जाता हूँ। अगर आप चाहते हो उस बेसिक मेडिकेशन के आप ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा कि कौन कौन सी बेसिक मेडिसिन होती है जो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए जब आप ट्रैवल करते हो। और चौथी चीज़ है वो आप लेके जा सकते हो, वो है डिस्पोजल जो ग्लव्स होते हैं वो आप ले सकते हो, जिसको नॉर्मल भाषा में डॉक्टर्स वाले ग्लव्स भी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी जगहों पर टच करना पड़ेगा, जैसे लिफ्ट के बटन्स हो गए या फिर और भी काफ़ी सारी जगह जो पब्लिक प्लेसेस में होती हैं, तो आप वो ग्लव्स पहन सकते हो। ओके सो अभी बात करते हैं टिप्स के बारे में, क्या क्या आपको चीज़ें, ये जो चीज़ें हो गई कि आपको क्या कैरी करना है, बट इसके अलावा तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है कि आपको बार बार अपने मास्क को, अपने चेहरे को टच नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है और इवन स्टार्टिंग में मुझे भी ये वो हो गया था, मैं बार बार अपने मास्क को एडजस्ट करता था, अपने चेहरे को टच करता था, बिकॉज हमें वही पहले वाली आदत है। लेकिन अभी आपको ट्राई करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार आपके हाथ गंदे होते हैं और ज़रूरी नहीं है वो गंदे सिर्फ मिट्टी या किसी चीज़ से ही हो, आप वायरस से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी सारी जगह को टच करते हो। तो आपको बार बार मास्क या फिर अपने चेहरे को टच नहीं करना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। हाँ मुझे पता है अभी काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, बिकॉज मैं भी एक ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो मैंने भी देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी कोई भी पालन कर ही नहीं रहा है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का, बट आपको मेंटेन करके रखना है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बना लो, बस थोड़ा सा अपने अंदर रखो कि थोड़ा सा आपको दूर रहना है लोगों से,
और ज़्यादा क्लोज मत जाइए किसी भी, और अगर आपको लगता है कोई किसी भी इंसान को प्रॉब्लम है, अगर वो खांसी है उसको बार बार या जुकाम है, तो उससे तो आप जरूरी थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी जगह पर अभी के टाइम पे मास्क पर फाइन है अगर आप मास्क नहीं पहनते हो। काफ़ी सारे लोग बस ऐसे मास्क को यहाँ लगा लेते हैं और वो बिल्कुल मास्क नहीं पहनते हैं, कभी निकाल के फेंक देते हैं, तो मास्क पर फाइन भी है। हिमाचल में अराउंड 1000 रुपये का फाइन है और जयपुर में भी 500 रुपये का फाइन है और काफ़ी सारी जगहों पर है। तो आप मास्क पहन के रखिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि पुलिस वाले देख रहे हैं तो उसके लिए मास्क पहन लिया, आपको मास्क पहन कर रखना चाहिए आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। आपको थोड़ा सा टाइम टू ट्रेवल करना है, आप घर पे मत पहनिए मास्क, कोई बात नहीं, पर आपको बाहर जाते हुए मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो लास्ट टिप है वो है, अपने हमेशा अपने चारों तरफ जो भी जगह है आप हर जगह टच मत करते रहिए। कई बार हम पहले आदत थी हम फालतू टच करते रहते थे हर जगहों का, बट अभी वो चीज़ मत कीजिएगा। और जब भी आप कहीं बैठ रहे हो या लेट रहे हो तो उस जगह को सैनिटाइज कीजिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, वो भी पढ़ सके कमेंट्स को और उनकी हेल्प हो जाए अगर आप वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मेरे चैनल को ग्रो कर सके और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।